गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं गीतांजलि बजाज आपकी होस्ट जीआरडीटी मोदी केयर लीडर्स टॉक के फर्स्ट एपिसोड में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, अगर उनकी बात करूँ, ब्लैक डायमंड की शीतल अरोड़ा जी बहुत सारी सफलता पा चुकी है, बहुत सारे चैलेंजेस आए उनकी लाइफ में, उसके बाद भी लखपति क्लब का हिस्सा है, यहाँ से गाड़ी ले चुकी है, बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स ले चुकी है, तो क्यों ना उन्हीं से मिले, उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। लेट्स डाइव इनटू द पॉडकास्ट। शीतल जी, स्वागत है आपका हमारे लीडर्स शो के फर्स्ट एपिसोड में, और आज हमारी ऑडियंस आपसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। और चलिए आपसे जानना चाहूंगी शीतल जी, सबसे पहले कि आपका बैकग्राउंड क्या है बेसिकली। थैंक्स मैम, पहले तो आपने मुझे मौका दिया आज का यहाँ पर आके अपने बारे में बताने का। मैं शीतल अरोड़ा, अगर बात करूँ, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट, घर में दो प्यारे प्यारे छोटे बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है, और हस्बैंड जो है एक बिजनेसमैन है, बस यही मेरी लाइफ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसा कि मुझे पता है कि आपका सलून भी बहुत अच्छे एरिया में, रजौरी गार्डन के पॉश एरिया में था, पर आपसे एक बात जानना चाहूंगी शीतल जी, आप मोदी केयर में कैसे एंटर हुए, आपको मोदी केयर में आने का क्या रीजन था? अगर मैं बात करूँ मोदी केयर की, तो प्रोडक्ट्स नो डाउट बहुत अच्छे लगते थे, होम प्रोडक्ट्स ज़्यादा अच्छे लगते थे, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक मिथ था कि जो ये स्किन केयर है, जो मेकअप है, वो एक प्रोफेशनल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैंने प्रोडक्ट्स को यूज़ किया, लोगों के फीडबैक मुझे आए, जो मैं ट्रीटमेंट्स देती थी उसके रिजल्ट्स मैंने देखे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स मुझे मिला बाकी अलग ब्रांड्स की बात करूँ उनसे, और कस्टमर भी वापस आते थे दोबारा ट्रीटमेंट को कराने के लिए, वो प्रोडक्ट्स दोबारा भी मांग करते थे, जाकि अगर बाकी प्रोडक्ट्स की बात करूँ कभी दोबारा नहीं आया कि हाँ ये चाहिए, लेकिन इसके प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स इतने अच्छे थे कि वो दोबारा मेरे पास आते थे कि मुझे वही चाहिए जो मैं लास्ट लेके गई थी। मतलब प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से बहुत सेटिस्फाइड थी, बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया मैम। पर अगर मैं बात करूँ, मैं बहुत सारे सलून ऑनर से मिलती हूँ, वो अपने सलून में यूज तो करना पसंद करते हैं, बट अगर बिजनेस की बात की जाए, अचीवमेंट्स की बात की जाए, तो समय भी नहीं निकाल पाते और वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। मैं आपकी बात करूँ तो आपने यहाँ से, जैसा मुझे पता है, आपने बहुत सारी सफलता हासिल की है, तो आपने इसको ऐसे बिजनेस कैसे एक्सेप्ट किया? बिल्कुल सही कह रहे हो कि बहुत सारे लोगों के, जो अभी मैं फेस कर रही हूँ, जब मैं भी जाती हूँ यहीं पर बात करती हूँ, तो लोगों के दिमाग में आता है कि क्यों, मतलब इसको करने से तो हमारा एक ब्रांड खत्म हो रहा है या ब्रांड नहीं है, तो जैसे मुझे भी ऐसे लगता था। लेकिन अगर मैं बाकी जो मैंने प्रोडक्ट्स भी यूज किया उनके बारे में बताया, उनको बताती हूँ, और कहीं ना कुछ जब तक कोई चीज आपके माइंड में क्लिक नहीं करती तो आप कोई चीज नहीं करते। तो मोदी केयर में आने का मेरा कारण जो था ना, एक फॉरेन ट्रिप था जो मुझे किसी भी, और अगर बात करूँ, किसी भी कंपनी ने मुझे नहीं दिया। एक दुबई ट्रिप, एक ही ट्रिप को देख के आई थी, लेकिन आज चार फॉरेन ट्रिप मैंने यहाँ से अचीव करे। और कोविड के टाइम पे लोगों को था कि कुछ कपड़ा भी खरीदने डर लगता था, लेकिन उस टाइम पे मोदी केयर से मुझे 9 लाख की शिफ्ट डिजायर मिली। तो मैं सच में कहूंगी कि कोई भी कंपनी हमें इतना कुछ अचीव नहीं दे सकती, बस एक समझने का फेर है। अगर आपके दिमाग में समझ में आ जाता है कि कैसे आप ये अचीव कर सकते हैं, तो सैलून वालों के लिए तो बहुत आसान है इस चीजों को पाना। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आपसे सुनकर कितने लोग इंस्पायर हो रहे होंगे, स्पेशली जिनके खुद के सलून है। पर एक बात पूछना चाहूंगी शीतल जी, जहां तक मुझे लगता है कि इतना आसान तो सफर नहीं रहा होगा आपका। हाँ, बिल्कुल सही। अगर बात की जाए तो चैलेंजेस तो मुझे लगता है हर सिस्टम में आते हैं, पर आपसे जानना चाहूंगी आपकी लाइफ में ऐसे कौन से चैलेंजेस आए, तो आपसे जानना चाहूंगी। मोदी केयर की बात करें, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे पता क्या होता है कि हमें कोई चीज मिलती है तो हमारा ये होता है कि हम पहले अपने नियर एंड डियर लोगों को बताएं कि तुम भी ये पा सकते हो। तो जब मैंने अपने आसपास के लोगों को, फ्रेंड सर्कल को या रिलेशन में लोगों को बताना शुरू किया कि आप भी करो और ये सब अचीव कर सकते हो, तो कहीं ना वो थोड़े से दूर होते रहे मेरे से, उनको समझ में आ नहीं आ रहा था कि ये सब भी मिल सकता है। लेकिन जब मैं उनके पास जाती थी, कॉल्स करती थी, उन्होंने मेरे कॉल्स उठाने बंद कर दिए, नहीं उनको उस चीज़ों विश्वास होता था। लेकिन जैसे जैसे मेरी सक्सेस आई, जैसे मेरा दुबई ट्रिप हो गया, ये पिक्स डली, या मैंने जो अचीवमेंट्स, गाड़ी मिली, तो उसके बाद लोगों को वाकई लगने लगा कि हाँ कहीं ना कहीं ये चीजें होती हैं। तो मैं सबको एक ये जरूर फीडबैक दूंगी कि अपना खुद का कोई भी चीज, आप फर्स्ट, आपकी जर्नी थोड़ा सा किसी चीज को पाना मुश्किल होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेचिंग अपने आप को करना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करनी है। मैंने एक्शन पे काम किया, मैंने ज्यादा से ज्यादा एक्शन पे काम किया, लोगों को पहुंचाने पे, लोगों को ट्रीटमेंट देने पे, लोगों तक थोड़ा सा पार्लर से निकलना पड़ा। कुछ लोग ना पार्लर से निकलना ही नहीं चाहते, बाहर जाके बताना ही चाहते, थोड़ा सा टाइम आपको निकालना पड़ेगा, मैनेज करके लोगों तक जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और फर्स्ट अचीवमेंट पानी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी खुद की अचीवमेंट ना आपके लोगों को दिखाई देगी, किसी और की अचीवमेंट लोगों को नहीं दिखाई देगी। बिल्कुल ठीक बोला शीतल आपने। पर अगर मैं बात करूँ, ये तो आपने बहुत आसानी से बोल दिया कि मेरे को अचीवमेंट मिली,
पर जहां हम चैलेंजेस की बात करते हैं, जब हमें कोई रिजेक्ट करता है, हमारे खुद के लोग रिजेक्ट करते हैं, तो जो दिल पे लगती है ना, उसके बाद उठना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। वो नेगेटिविटी हमारे पास भी बहुत आ जाती है। आपने उसको ओवरकम कैसे किया? चैलेंजेस को ओवरकम करने के बाद ही तो सफलता आई होगी, आपने कैसे उसको ओवरकम किया? बिल्कुल नहीं कह रहे मैम, शुरू में ना, जैसे कहते हैं ना, एक मेरा भी मिथ था कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे हर चीज आती है, तो करना क्या है। तो जो कहते हैं ना कि हमें कोई चीज पाना है तो उसके बाद में सीखना पड़ेगा। अगर हमें सैलून भी खोलना है तो मैंने सैलून का एक कोर्स किया है ना, अगर बुटीक खोलना है तो उस चीज का, डॉक्टर अपना जो चीज करते हैं। तो जब हम मोदी केयर में आते हैं ना, कहीं कहीं हम सोच लेते हैं कि हमें तो सब आता है, ये तो क्या है, हमें आता है। लेकिन जो ट्रेनिंग्स जब हम आते हैं, ना कैसे सुननी है, ना का जवाब कैसे देना है, ये सब चीजें हमें ट्रेनिंग में ही आके, जब मेरे को समझ में आ चुका था कि कैसे हम इस ना को हाँ में बदल सकते हैं, तो मैंने ट्रेनिंग्स का सहारा लिया। जो भी ट्रेनिंग्स मिलती थी, चाहे ऑफिस की तरफ से हो, चाहे अपलाइन की तरफ से हो, वो सारी ट्रेनिंग्स मैं लेती थी और वहां पर जाती थी, और वही ट्रेनिंग्स को मैंने कॉपी पेस्ट करना, जैसे कहते हैं ना, जो मैं सीख के आती थी वो अपनी टीम को सिखाती थी। जब मैंने इस पे काम किया तो मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, मुझे ना मिलनी ही बंद हो गई। सबसे खबरदार मेरे साथ ये हुआ कि मुझे ना मिलनी ही बंद हो गई, मतलब ना का असर होना बंद हो गया, ना का नसर, मतलब असर भी नहीं होना बंद हो गया। और जैसे पहले 10 लोगों से मिलती थी तो शायद एक ही कोई हाँ करता था, अब ये ऐसा आ गया था टाइम कि अगर मैं 10 लोगों से मिलती थी तो 7 लोगों से हाँ आ ही जाती थी, और 3 लोगों का मुझे पता ही नहीं चलता था ना आई भी है। वेरी नाइस, ये आपकी पॉजिटिविटी का नतीजा है क्योंकि आपको मोदी के पे ट्रस्ट हो चुका था, जहां तक मुझे लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल मैम, जैसे हमने चैलेंजेस की बात की, आपने बोला कि ट्रेनिंग्स में गई, आपने सेमिनार्स भी अटेंड किए होंगे यहाँ से, तो वो सब चीजें आपको आगे बढ़ाती गई। पर आपने, अगर मैं बात पूछूं डिटेल में, आपने यहाँ से क्या क्या हासिल किया? अगर आप सैलून में बैठकर अपना इनकम अर्न कर रहे थे, क्या आपको वर्थ लगा कि मैं इनकम वहां से भी अर्न कर रही थी और यहाँ से मैंने जो अचीव किया, क्या क्या डिफरेंस है उस इनकम के अंदर, वो एक्टिव या पैसिव, जो भी आप समझाते हो तो आपसे जानना चाहेंगे। मैं बात करूं तो अगर सैलून में मैं या कोई भी इंसान बैठता है तो जब तक शटर ओपन है तब तक ही पैसा आता है। जैसे कोविड के टाइम पे हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कोई टाइम आएगा कि कोई हमारा सैलून बंद करा सकता है, लेकिन अच्छे अच्छों की दुकानें बंद करती गई, और एक नहीं, एक साल तक, और उसके बाद भी, खुलने के बाद भी सैलून और जिम कुछ ऐसे थे जिसपे बाद में भी नहीं खोलने का ऑफर था। तो कभी हम माइंड सेट करके बैठे थे कि हमारा तो दुकान है, हम तो पैसा कमा ही लेंगे, लेकिन ये प्लेटफॉर्म में मुझे इसलिए मजा बहुत अच्छा आया कि कोविड के टाइम पे, जैसे मैंने बताया, मेरा अगर खुद का चेक पहला 116 रुपए का था, और कोविड का ही टाइम था जिसमें हाईएस्ट चेक 2.5 लाख का मेरे को मिला। तो लोगों की जहां इनकम खत्म हो रही थी, सैलरी नहीं मिल रही थी, जॉब से निकाला जा रहा था, वहीं ये बिजनेस बूम पे जा रहा था। और उस टाइम से बात करूं, आज एक बूम चलता आ रहा है। एक टाइम ना, ऐसे एक चम्मच आपको चाहिए या एक समुंदर चाहिए, तो वो आपके ऊपर है, आप कितना ले सकते हो यहाँ से। बहुत कुछ अचीवमेंट आपको यहाँ से मिल सकते हैं, ये समझ में मुझे आ गया था। और बात करूं कि लखपति ग्रुप का तो हिस्सा हुई, 9 लाख की शिफ्ट डिजायर मिली, 4 फॉरेन ट्रिप, दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, और थाईलैंड दूसरी बार मैं, मतलब 2 बार थाईलैंड मिला, 1 बार अपने हस्बैंड को भेजा मैंने। और बहुत सबसे अच्छा जो बात करूं ना, मुझे जो यहाँ पर मिला, एक सैलून ऑनर की ना एक ख्वाहिश होती है कि खुद का एक सेमिनार कंडक्ट करना, जो हम अकेले कभी नहीं कर सकते। मोदी केयर में एक टीम वर्क जो है ना, वो जो सेमिनार एक नहीं, 4 नहीं, मतलब मैं काउंटिंग ही नहीं है कि मैं कितने सेमिनार्स कर चुकी हूँ। और अपने जैसा ही अपनी टीम में बहुत सारे लीडर्स ऐसे लेके आ चुके हूँ जो उनके सपने थे कि मैं सेमिनार करूं, तो उनके सेमिनार भी करा चुकी हूँ। तो ये सच में दिल को छूने वाली चीज थी जो मुझे यहाँ पर मिली। मान सम्मान हर किसी, चाहे वो सैलून लाइन से हो, चाहे सैलून लाइन से ना भी हो, एक हाउस वाइफ का भी सपना होता है कि मुझे मान सम्मान मिले। और जो मान सम्मान यहाँ मिलता है ना, जो फूलों की चादर में मुझे लेके आया गया था ना, वही शादी में भी नहीं लेके आया था, वो मुझे जो सच में अंदर तक एक आंसू भी आ जाते हैं अंदर से, कि वो मान सम्मान कहीं नहीं मिलता जो यहाँ मिलता है। बहुत बढ़िया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जितने भी सैलून ओनर्स हमें सुन रहे होंगे ना, उन्होंने सपना एक बना लिया होगा कि अपने सपने सारे यहाँ से पूरे कर लें, आपको सुनकर, और आपकी इस चीज को सल्यूट है। शीतल, आपसे बस लास्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, बात पूछना चाहूंगी, आप अपनी ऑडियंस को या अपनी टीम के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैम, मैं बस यही मैसेज देना चाहूंगी कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक चम्मच चाहिए, समुंदर चाहिए, आपकी मर्जी है। एक्शन पे काम करके आप यहाँ से बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। मेरा खुद का ये ड्रीम है कि आने वाले टाइम में 10,000 रुपए कमाने वाले कम से कम 101 लोग मेरी टीम में हो, और 51 गाड़ियां मैं एक ड्रीम के, मतलब खुली आंखों से सपना देख रही हूँ कि आ गई है मेरी टीम में। और बहुत सारे लोग जिनका सपना होता है कि फॉरेन ट्रिप, एक कार फंड, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी टीम के वो सारे सपनों को पूरा करूँ। मैंने एक मिशन लिया मैम कि मैं आने वाले टाइम में ना, कि मेरी टीम ने एक मिशन है कि इतने लोग आने चाहिए कि इतनी गाड़ियां आए,
और 10,000 कमाने वाले कम से कम 101 लोग हों और गाड़ियों की तो लाइन लगने वाली है और मैं कहूंगी कि एक कारवा निकलेगा जिसमें से मोदी केयर की गाड़ियां आ रही होंगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपके मिशन के लिए तो यही कहूंगी, ऊपर से भगवान हमें सुन रहे होंगे, मैं ऑल दी बेस्ट नहीं बोलूंगी, एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगी शीतल जी आपको कि आपका सारे सपने पूरे जो आपने अपनी टीम के लिए अपने मिशन बनाया, ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।